वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक हैंड स्टिच फ्लावर बनाकर बताऊंगी जो कि बहुत ही सरल है। आप अगर फ्रॉक सिलते हैं, कुर्ती सिलते हैं या कोई भी चीज़ सिलते हैं तो आप उसमें इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको बनाने के लिए यहाँ से कपड़ा कट कर लिया। कपड़ा कट करने के बाद इधर से हम सीधा कर लेंगे, फिर हम इधर से कर लेंगे, इसका लंबाई चौड़ाई देख लेंगे। तो इसका चौड़ाई है 4.5, लंबाई और चौड़ाई है 2 इंच। तब हम इसको इस तरीके से लेंगे और लेने के बाद हम इसको हैंड इस तरीके से यहाँ हम एक इसको पिनअप लगाएंगे। तो यहाँ हम एक पिनअप कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लेंगे स्टेपलर और यहाँ हम एक पिनअप करेंगे। एक और लगाते हैं, 2 लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने एक रेडी किया, फिर एक और करेंगे 4 इंच पे एक कट करेंगे, फिर इसको हम इस तरीके से लेंगे, फिर इसको हम यहाँ पे हम फिर एक पिनअप कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने 2 रेडी किया। इसी तरह हम 5 रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बिल्कुल बराबर से हमने 3 कपड़ा और काट लिया, तीनों का बना लेते हैं। इस तरीके से 3 हमने बना लिया है, एक और हम बना लेते हैं। इस तरीके से हम लेते हैं, और यहाँ हम पिनअप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से 5 हमने बना लिया। अब इसको हम एक साथ अटैच करते हैं। तो हम उसके लिए ये सुई लिए हैं, सुई में हमें सब डालते जाना है इस तरीके से। पांचों को हमें इसी में डालना है। तो इसको हमने एक साथ ज्वाइंट कर लिया। आप देख सकते हैं अब इसके ऊपर हम एक सो बटन लगा देंगे। तो ये हमारा सो बटन है, तो हम वो सो बटन लगाते हैं। अब इस सो बटन को हम इस तरीके से लेंगे और इसमें डालेंगे। अब इसको इस तरीके से लेते हुए इसमें हम सुई में डालेंगे सो बटन को। डालने के बाद हम इसको इसमें टांग लेंगे। इस तरीके से हम अच्छे से इसको टांग लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ये फ्लावर का फाइनल लुक है, कितना प्यारा लग रहा है। आप इस तरह से बनाकर आप डेकोरेट कर सकते हैं। आप किसी भी कुर्ती में लगा सकते हैं, नेक पे लगा सकते हैं, डिज़ाइनिंग बाजू पे भी लगा सकते हैं। तो आज की ये कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी ये फ्लावर की, आप हमें ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। ये देखिए मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, इस टाइप से ये बन के आ रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। ये नग हमने लगा दिया। इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, आपको 4-5 जितना बनाना है बना सकते हैं और लगा सकते हैं।
तो ये फ्लावर की कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। फिर मैं आ रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए इस टाइप से बनकर सामने आया है, आप देख सकते हैं। ये बीच में जो नग लगाई थी वो लग गया। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। फिर मैं आ रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।